हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुशी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसेंशियल फेयरनेस ओरिफ्लेम का फेस क्रीम है ये, और ये फेयरनेस क्रीम है। इसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, काफ़ी बड़ा है इसका डिब्बा इस तरीके से, और इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ। मैंने इसको यूज़ कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये आपको आधा फिनिश भी दिखेगा। इसके ऊपर एक लेयर आती है, फॉइल टाइप लगी हुई आती है पैकेजिंग में, और साथ ही इसे मैंने यूज़ भी किया है, तो मैं इसका रिव्यू आपको अच्छे से देकर बताती हूँ। इसको अगर मैं बताऊँ कि इसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा ऑयल बेस पे, नॉमिनली ये जो क्रीम्स आते हैं ये लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लेकिन फिर भी इसको जब मैंने यूज़ किया फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी स्किन ऑयली ज़्यादा है, और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ड्राई यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको गर्मी में यूज़ करना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्वेट भी छोड़ता है और काफ़ी थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, ये इसका टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ कर देता है ये स्किन को, और साथ में थोड़ी देर बाद ये सूख कर आपको स्किन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऑयल टाइप लगाया है, ड्राई भी कर देता है। सो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने से मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। आपकी स्किन लिटरली क्लियर और ब्राइटन होती है, और साथ ही साथ इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो एज अ रेगुलर क्रीम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसको कितनी अच्छे से हम फैला भी सकते हैं, ये इस तरीके से है। इस तरीके से मैंने, आप देख सकते कितना स्मूदली ये फैल रहा है, ये इस तरीके से। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। ओरिफ्लेम में काफ़ी कम रेंज में आपको ये क्रीम मिल जाता है, साथ ही में फेयरनेस के और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फेस वॉश भी है इसका, बॉडी वॉश भी अवेलेबल है। अगर आपको फेस क्रीम या फेयरनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एनी टाइम मैं आपको ज़रूर इसका उसका भी रिव्यू दूंगी, जो भी इसके फेस वॉश और इसका जो किट आता है। प्लस मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आप इसको यूज़ करके देखें, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। थैंक यू।